हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राम टेक्निकल हेल्प। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये हैंडल्स क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे कि रात को ही एक ईमेल आया होगा आपके पास। यूट्यूब जो चैनल है आपका, जो आपने वहाँ पर ईमेल दिया होगा, वहाँ पर उस ईमेल के ऊपर आप देख पा रहे हो कि एक आपको एक 10:08 पर एक मेल आया होगा, जिसमें आपको बताया गया होगा कि जो यूट्यूब हैंडल्स है वो अभी यूट्यूब है जो उसको अभी लॉन्च करने वाला है और सर्विस को लेके आने वाला है। वो सर्विस क्या है और उसको यूज कैसे करना है और वो यूट्यूब क्रिएटर के लिए क्यों जरूरी है और इसका बेनिफिट क्या है, हम लोग सब इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी बहुत सारी वीडियोज मैं लेके आता रहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से रिलेटेड हो, डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो, आपको यहाँ पर हर टाइप का वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होगी कि यहाँ पर आपको एक हैंडल्स का करके एक मेल आया होगा, ठीक है, यूट्यूब की ओर से। तो यहाँ पर इसका बेनिफिट क्या है और ये क्यों जरूरी है। यहाँ पर इसने साफ साफ बोला है कि हम लोग एक नया सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। यूट्यूब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि हम लोग एक नया सर्विस जो यूट्यूब क्रिएटर को देने वाले हैं, जिसमें आप हैंडल्स का यूज करके आप अपने चैनल को यूनिक बना सकते हो, या अपना हैंडल्स आप यूनिक रख सकते हो। जो क्या करेगा, जो आपका हैंडल्स का यूज करने से आप अपना सर्च में आपका चैनल आ जाएगा। जैसे आप कोई भी आपका चैनल है सर्च करते हो, और वो अगर उसको सर्च करने के बाद आप देख पाते हो कि वहां पर बहुत सारे चैनल आ जाते हैं। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होगे एक दूसरे पेज पर, जैसे कि मेरा चैनल का नेम राम टेक्निकल हेल्प है और ये मैंने सर्च किया, तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि राम टेक्निकल हेल्प ये मेरा चैनल आ गया। बट आप थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको कुछ और चैनल्स भी मिल जाएंगे राम टेक्निकल हेल्प के नाम से। ये देखिए, यहाँ पर टेक्निकल सपोर्ट्स राम करके कैसा मिल रहा है, और यहाँ पर भी आप थोड़ा नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर भी काफी चैनल ऐसे मिल जाएंगे। ये देखिए, राम टेक्निकल ट्रिक्स करके ऐसे भी ये चैनल मिल रहा है नीचे। तो ये आपको ऐसे चैनल मिल जाते हैं। और यूट्यूब इन जो हैंडल का यूज करके जो स्कैम ज्यादा को रोकने के लिए भी इसका यूज करने में मदद करेगा, ऐसा यूट्यूब का कहना है कि हम जो स्कैम ज्यादा होते हैं वो भी इसको कम करने में सहायता मिलेगी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरा जो राम टेक्निकल हेल्प है, ये चैनल अगर मैं सर्च करूंगा तो मेरा चैनल ऊपर आ जाएगा। और अगर मैंने हैंडल का यूज करना शुरू कर दिया, जो ये एक नया सर्विस जो लॉन्च करने जा रहा है यूट्यूब, अगर उसका यूज करेंगे तो आपका चैनल सबसे टॉप में आएगा, जिस हैंडल को आपको इसके अंदर डालना है। हैंडल का आपका हैंडल कैसे बनाना है मैं आगे बताऊंगा। जो हैंडल्स है ये, वो आप यूज करके आपका चैनल का ग्रो हो जाएगा और ग्रो करने में आपको मदद भी मिलेगी इस चैनल से, ठीक है। और जैसे कि आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को आप अपना चैनल का नेम बताते हो, आप अपना चैनल का नेम, जैसे मेरा चैनल का नेम राम टेक्निकल हेल्प है, तो अगर मैं ये बताता हूँ तो वो राम टेक्निकल हेल्प करके सर्च करेगा तो उसको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी। बट अगर मैं हैंडल का यूज करके उसको बता दूंगा कि भाई ये हैंडल्स है और ये मेरा चैनल है, आप इसको डालोगे तो वो ही आप सर्च कर पाओगे। तो जैसे ही वो हैंडल का यूज करेगा, उस चैनल को डालेगा, तो क्या करेगा कि वो जो हैंडल की वजह से मेरा ही चैनल उसको दिखेगा और मेरा ही चैनल उसको टॉप पर आएगा, जो अगर मैं उसको मेरा हैंडल दूंगा तो। ठीक है, वो हैंडल कैसे यूज करना है हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। सेकंड ये है कि आपके यहाँ पर लिखा है, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो आपको एक मेल रिसीव होगा, जैसे ही ये सर्विस लॉन्च हो जाएगा, जैसे ये सर्विस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज मिलेगा। ठीक है, आपका जो यूट्यूब आप यूज करते हो स्टूडियो, वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उसका नोटिफिकेशन का यूज करके आप अपना हैंडल सेट कर सकते हो, वहां से हैंडल को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कस्टम यूआरएल है, मान लो आपने कस्टम यूआरएल बना के रखा है। कस्टम यूआरएल कहाँ बना के रखा है, ये तो आपको पता है कि अब अगर आपके 100 सब्सक्राइबर हो गए तो उसके बाद आप कस्टम यूआरएल बना सकते हो। बट कस्टम यूआरएल कैसे बनाना है, इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखी है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और सेकेंड बात ये है कि ये जो हैंडल्स है, आप 0 सब्सक्राइबर से भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी अभी हर 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 यूट्यूबर को ये मिलेगा, ठीक है, हैंडल का यूज करने का। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कस्टम यूआरएल, अगर आपका कस्टम यूआरएल है, मान लो कि मेरा कस्टम यूआरएल राम टेक्निकल हेल्प है, कस्टम यूआरएल आपको दिखा देता हूँ मैं,
यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आप जब अपना चैनल ओपन कर लोगे, यहाँ पर आपको एक बेसिक ऑप्शन का एक वो मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ कस्टमाइजेशन में आपको जाना है और बेसिक इन्फो करके एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आप अगर आप क्लिक करते हो और नीचे की तरफ थोड़ा आते हो, तो ये आपका एक कस्टम यूआरएल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना कि जो ये कस्टम यूआरएल है, यहाँ पर मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में ही ये बना लिया था। अगर ये आपको चेंज करना है, ये भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको जब आप हैंडल क्रिएट करना चाहते हो। मान लो कि आपको ये रखना नहीं है, आपको अपना चैनल का नेम रखना है ये, तो आप ये इसका यूज कर सकते हो। अब वो मेन टॉपिक क्या है कि आपको वो हैंडल बनाना कैसे, दिखेगा कैसे आपके चैनल के ऊपर। मान लो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है, नेम है राम टेक्निकल हेल्प। मैं इसको दिखा देता हूँ, अगर आपको अभी हैंडल्स कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा आपका, ओके ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हैंडल कैसे क्रिएट करना है। अभी यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो मेरा सॉफ्टवेयर हो गेमिंग सपोर्ट करके एक यूआरएल है, कस्टम यूआरएल, इसके आगे ये मेरा कस्टम यूआरएल हो जाता है ये पीछे का, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरे को इसको चेंज करना है। अभी जो जो आपका हैंडल यूआरएल कैसे बनेगा, 1000 लग जाएगा आपके चैनल के आगे, राम टेक्निकल है। मेरा ऐसा हो जाएगा। ये अभी जो एट द रेट है, ये अभी स्टार्ट कर दिया है, गूगल ने अभी कर देगा ये सर्विस को। जैसे आपका ये एट द रेट आप टाइप करोगे और आपका ये सर्च करोगे, तो आपका ही चैनल ओपन होगा, ठीक है। ये ऐसा भी कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं मेल के ऊपर, एक बार देख लेते हैं। वी आर कैन बी रोल आउट ऑफ इट टू चूज हैंडल ऑफ चैनल ओवर कमिंग वीक, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके स्टूडियो के ऊपर, ये हमने कर लिया है। इफ यू हैव ऑलरेडी योर, अच्छा ये कस्टम यूआरएल के बारे में है जो मैंने आपको बताया है अभी। वी आर ए योर योर हैंडल डिफरेंट हैंडल यू ओपन, सो यू कैन चेंज, ये आप चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने अभी बताया है। आप अपना जो डिफरेंट रख सकते हो हैंडल को अपने कस्टम यूआरएल से, ठीक है। इफ यू डोंट ऑलरेडी हैव अ पर्सनल यूआरएल टुडे इट विल हैंडल योर चैनल, ओके। अगर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप अगर स्टार्टिंग ऑन नवंबर 14, 14 नवंबर से अगर आप इसको सर्विस को हैंडल को सिलेक्ट नहीं करते हो, तो क्या करेगा यूट्यूब है ना, अपने आप ऑटोमेटिकली आपको असाइन कर देगा हैंडल, ठीक है, आपके चैनल के ऊपर वो उसको असाइन कर देगा। विच यू कैन चेंज इन यूट्यूब स्टूडियो, आप उसको जो आपका यूट्यूब स्टूडियो है उसके अंदर आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है कि आप अगर आपका हैंडल्स अगर लग जाए, लगने के बाद क्या होगा, आपका चैनल एक तो ग्रो करेगा, ठीक है, यूट्यूब उसको ग्रो करने में आपकी हेल्प करेगा। सेकंड ये कि आपका कोई थर्ड जैसे कोई आपका चैनल को यूज नहीं कर पाएगा, यूज नहीं कर पाएगा कैसे, कि आपने कोई आपका चैनल अच्छा बन रहा है, अच्छा चल रहा है, बट कोई क्या करेगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपका चैनल का सेम नेम कॉपी करके सेम चैनल बना लेते हैं और आपके कुछ वीडियोस भी डाल देते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है कि आप कुछ लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि वो चैनल आपका है तो उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, और जबकि आपका चैनल वैसे के वैसे रहता है, जो उसका चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये भी एक कम करने में मदद मिलेगी ये हैंडल्स की वजह से, अगर आप हैंडल यूज करना करने के बाद ये आपको ये ऐसी जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएंगी, फिक्स हो जाएगी आपके यहाँ पर चैनल के ऊपर, ओके। उसके बाद आपको हेल्प क्या क्या मिलेगी, और फ्रेंड्स आपको एक मैं बात बता देना चाहता हूँ कि जो आपका हैंडल होता है, जब भी आप क्रिएट करोगे हैंडल, तो क्या करना, आपका हैंडल्स ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए साइज में, आप कुछ वर्ड्स रखना उसके अंदर, आपका जो चैनल हो गया बट उसको कुछ ऐसे वर्ड्स रखना कि वो आप जब हैंडल्स क्रिएट करें उसमें 30 करेक्टर से ज़्यादा यूज ना करें, ठीक है। और आपका हैंडल जितना छोटा होगा, जितना यूनिक होगा, उतना जल्दी सर्च में आएगा, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि आपको जो हैंडल्स है वो उसका यूज क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या है, और आपको उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक और शेयर प्लीज। थैंक यू सो मच।